सभी के दिए सुंदर हैं, मेरे क्या और तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ होगा इस किनारे और उस किनारे क्या। दिवाली के 5 दिन के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है, आज से हो गई है। आज धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। वैसे प्रिया, पूजा, आपने दिवाली की तैयारियां कर ली होंगी मुझे भरोसा है। अभी कुछ अगर बाकी रह गई है, मतलब मेरा ये है कि दियों की खरीदारी, रंगोली की डिज़ाइन तय करना, मिठाइयों का गिफ्ट बाजार से लाना, मतलब साफ सफाई के बाद, ये सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं अभी बाकी? देखिए उसे ना, काम तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने तैयारियां लगभग कर ली हैं और कम समय है और साफ सफाई बहुत ज्यादा है। देखिए घर को सजाना भी है, दियों की खरीदारी, रंगोली बनाना हालांकि मुझे आती नहीं पर मैं कोशिश जरूर करती हूँ, मिठाई और गिफ्ट्स खरीदना, ये सब इतना ज्यादा दीपावली में काम हो जाता है कि टाइम जैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर शाम को पूजा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस धनतेरस पर देखिए हुसैन, मैं आपको बता दूं कि इस धनतेरस पर मैं क्या स्पेशल करने वाली हूँ, वो है अपने मॉडर्न किचन को दादी नानी की रसोई में तब्दील करना। मैं मतलब अब दादी नानी का नुस्खा अपने किचन में तमाम चीजें लेकर आने वाली हूँ। वो कैसे प्रिया, धनतेरस को तो लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, बर्तन की भी खरीदारी होती है, लेकिन मॉडर्न किचन को ट्रेडिशनल किचन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, इसके लिए क्या जरा समझाइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए इस बार मैं अपने किचन से उन तमाम चीजों को हटा रही हूँ जो जाने अनजाने में हमें बीमार कर देते हैं। अब देखिए त्योहार है लेकिन उसके साथ सेहत का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है, और हुसैन धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा तो होती है, साथ ही सेहत के देवता कहलाने वाले धनवंतरी की पूजा भी होती है क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ये 100% सही बात है। योग गुरु स्वामी रामदेव भी अक्सर ये कहते हैं, आरोग्यम धन संपदा, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अच्छी बात यह है कि धनतेरस के दिन सब माँ लक्ष्मी की सब पर कृपा बरसे, लोग जमकर सोने चांदी की खरीदारी भी करें, लेकिन साथ में ऊपर वाले ने जो सबसे बड़ी दौलत दी है यानी सेहत, उसका भी ख्याल रखें। और देखिए वैसे भी इन दिनों डेंगू ने कहर बरपा रखा है, त्योहारों की खुशियों में ग्रहण लगाने की तैयारी डेंगू ने की है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं होने देना है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों डेंगू के चलते इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि बीमारी कोई भी हो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर की सुने, उसको समझें, बीमारी से जुड़े लक्षणों को जानें और तुरंत फिर अपने हेल्थ एक्सपर्ट से उस बारे में सलाह लें। ठीक कहा हुसैन आपने। और देखिए वैसे भी इसकी नौबत कभी ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लीजिए ताकि कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपकी लाइफ में बने ही ना। तो धनतेरस के मौके पर आज जिंदगी की सबसे कीमती दौलत यानी सेहत कैसे अच्छी रहे, इसका रहस्य हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और स्वामी जी सबका दिया जलता रहे। हुसैन जी, प्रिया जी, पूजा जी और जिस बच्चे को आप मेरे साथ देख रहे हो सूर्य नमस्कार करते हुए, ये कौशिक वही बालक है जो आज से 1.25 साल पहले व्हील चेयर पर आया था। अब इसकी माँ ने इसको इतनी प्रेरणा दी कि बेटा जो स्वामी जी कहते वही तुझे करना है, और वो इसने किया और कर कर के माँ प्रेमा ने इसको तैयार किया। माँ के संकल्प की शक्ति क्या है, और जो बच्चा 70 किलो से 50 किलो वजन पर आ गया था और उठ बैठ नहीं पाता था, अब वो जो है पूरा जम करके सूर्य नमस्कार करता है। और वो डिप्स लगा बेटा, डिप्स लगाता है पूरा जोर से ऐसे एकदम जोरदार, बहुत शानदार। और आज ये एंक्रोजिंग स्प्लाइट इसको मात दे के अब इंजीनियर बन चुका, इसकी जॉब भी लग गई है, इसके लिए डबल शुभकामनाएं। ये है योग का जीता जागता प्रमाण, ऐसे जो मेरी बात पूरी मानेंगे तो फिर आरोग्यम धन संपदा जो अभी हुसैन भाई कह रहे थे वो पूरा मिलेगा। अब ये दौड़ सकता है, दौड़ लगा के अपनी माँ के पास जाके उधर बैठो, दौड़ो एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब ये दौड़ सकता है, इसको दौड़ने की फुटबॉल खेलने की इच्छा थी लेकिन व्हील चेयर पर आ गया था, अब उधर आ जा अपनी बहन के पास। वो छोटी सी गुड़िया युक्ति को लेकर आया, उसको भी एसिडिटी हो गई थी, वो भी ठीक हो गई है। ये एक माँ बैठी है लंग फाइब्रोसिस वाली, खड़ी हो, ये माँ कविता हा? अब इस कविता के हालात ये थी, क्या हो गया था तुमको? स्वामी जी मुझे 2019 में लंग फाइब्रोसिस हो गया था।
और स्वामी जी डॉक्टरों ने बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं, आपको लंग्स लंग फाइब्रोसिस में लंग चेंज करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। तो स्वामी जी मैंने आपको पूरी तरह से 4 महीने से ही फॉलो किया, यहाँ पे भी रह के गई 15 दिन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लंग फाइब्रोसिस ठीक कर लिया। आज इसका बेटा चांद जो है, बैठो अम्मा, वो राम के भजन का पूरा एक एल्बम लॉन्च कर रहा है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। तो ये बच्चा अब राम के भजन गाता है और अब ये राम भक्त हो गया बेटा, और माँ जो है वो सब बीमारियों से मुक्त हो गई। बैठो बेटा चांद। अब इसने कि मुझे अब राम के मार्ग पर, कृष्ण के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलना है, और इसने तो कमाल कर दिया शैलेश ने। ये भी पहले आया हुआ है, इसको 80-90% ब्लॉकेज था, उसको ठीक कर लिया इसने। खड़े हो जी शैलेश जी, क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुरंत बाईपास करना पड़ेगा 26 अगस्त 2019 को, और मैं 4 अक्टूबर 2019 को इधर आ गया, 10 दिन इधर गया, और उसके बाद मैं पूरा फॉलो किया। आज हार्ट रोग से पूरी तरह से मुक्त है। चलो बैठो। ये मैं इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बगल में तो जो हमारे बैठे हुए डॉक्टर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, डॉक्टर प्रकाश MBBS MS सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट है, अब इसने योग को पूरी तरह से अपना लिया, एक बार जोरदार अभिनंदन। बैठो बैठो अनुलोम विलोम करो। मैं इसलिए प्रारंभ में प्रेरणा ही देता हूँ, शुभम कृष्ण जी बैठे हुए हमारे कश्मीरी पंडित जो है, तेजी पंडिता, स्वीटी पंडिता, डेंगू ठीक कर लिया शुभम कृष्ण जी ने, और तेजी ने और स्वीटी ने थायराइड को, और तेजी ने तो स्टोन थे 4-5 वो निकाल डाले, और ये पंजाब दा मुंडा है छोरा 125 किलो का हो गया था, कितना घटा लिया? 8 किलो। जोरदार ताली बजा दो, अब 8 घटा दिया। बहुत शानदार स्वामी जी। अब जीरा बोले बाबा जी, अब 80 किलो का करना है तेरे को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।